नमस्कार, स्वागत है सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह की कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो हम देख रहे हैं कि सोना आज इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1793 पर और जो सिल्वर है वो $23 पर कारोबार करती नजर आ रही है। दोनों के ही अंदर आधे आधे फीसदी की बढ़त है, हरे निशान पर है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड था, जो उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था $1800 का, अब वो वहाँ से कहीं ना कहीं स्लिप होता नज़र आ रहा है, गिरता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल US के फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं जेरोम पॉवेल, उनकी तरफ से जो बयान निकल के सामने आया है कि जो US ट्रेजरी यील्ड्स हैं उनमें तेजी है, दूसरा डॉलर में तेजी देखने को मिली थी, और जो सोने चांदी में तेजी का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है वो ये है कि जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। अभी उसके चेयरमैन का ये बयान निकल के सामने आया है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में हमने बीते सत्र में एक नरमी आते हुए देखी थी। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले सोना लगभग $1850 के ऊपर था, फिर धीरे धीरे $1840 पर बना, उसके बाद फिर एकदम से सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली और सोना अब $1800 के नीचे कारोबार करता नजर आ रहा है। तो सोने चांदी की कीमतों में अभी हम देख रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में एक नरमी वाला रुख देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या ये जो सोने चांदी की कीमतों में जो गिरावट है ये यहाँ से और गहराएगी या फिर यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, ये अब आगे देखने वाली बात होगी। हालांकि जो उतार चढ़ाव है सोने चांदी कीमतों में वो हम देख रहे हैं कि इंट्राडे में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कंपैरिजन टूल अगर बात करें अगर लंबी अवधि की, तो लॉन्ग टर्म के लिए सोने चांदी कीमतों में तेज़ी का ही रुझान है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो जो बयानबाजी हो रही है और डॉलर में जो तेज़ी बनती नज़र आ रही है उसकी वजह से सोने चांदी कीमतों पर एक दबाव बनता नज़र आ रहा है। बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल देख रहे हैं कि WTI $78 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $82 पर कारोबार करते नजर आ रहे हैं। आज देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज कच्चे तेल की कीमतों में कुछ एक हल्की सी बढ़त बनती नज़र आई है। तो आज सोना चांदी कच्चा तेल बेस मेटल्स का बाज़ार कैसा रह सकता है, क्या लेवल्स होंगे, खरीदारी करके चलना सही रहेगा या बिकवाली, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। रूपा जी देख रहे हैं आज सोना $1800 के नीचे फिसलता हुआ नजर आया है, आपको क्या लगता है ये जो गिरावट देखने को मिली है अचानक से सोने के अंदर, अभी ये और गहराएगी या फिर यहाँ से सोने चांदी की कीमतों का फिर से सपोर्ट मिलेगा और कीमतें यहाँ से फिर बढ़ जाएगी? देखिए प्लीज, सोना जो है आज $1800 के नीचे लुढ़क चुका है। जैसा कि एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि अगर $1800 के नीचे लुढ़कता है तो 1780 के आसपास जाकर एक बार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छी खासा डाउनसाइड जो है $1800 के नीचे देखने को मिल सकता है अगर 1780 के नीचे सस्टेन कर गया तो 1740 तक भी नीचे लुढ़क सकता है। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 46,000 से लेकर 48,000 की रेंज में फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। सेम एज इट इज चांदी भी $24 के नीचे आ चुकी है, $2,350 पर काम करती हुई नजर आ रही है, तो अभी यहाँ पर $23 के आसपास चांदी भी लुढ़कती हुई दिखाई दे सकती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सोना और चांदी दोनों में ही गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में भी बाजार ऊपरी स्तरों पर फिसलते हुए नजर आ सकते हैं। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल सिल्वर को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि सिल्वर किस लेवल पे बाई करके चलना सही रहेगा, सिल्वर में क्या इन लेवल्स पर खरीदारी करके चलना सही रहेगा या फिर अभी थोड़ा और निचला स्तर आने का वेट करें? देखिए अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि देखिए अभी बाजार जो है ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से डॉलर में स्ट्रेंथ आई है उसके चलते ऊपरी स्तरों पर एक बार प्रेशर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म आपको स्ट्रेटेजी में डेफिनेटली इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, बाइंग के अंदर आपको बाइंग में ही रहना चाहिए। जब बाजार स्लिप करे तब आप वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पर हमें लग रहा है $23 से लेकर $22.5 में भी चांदी दिखा सकती है, तो यानी कि 60,000 के अराउंड अगर मिलती है तो वो काफी अट्रैक्टिव लेवल्स होते हैं बाइंग के लिए, तो वहां पर आप एक बार बाइंग की रणनीति बना सकते हैं। जी ये से रूपा जी अगर नजर डालें आज कच्चे तेल की कीमतों के ऊपर, तो देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त बनती नजर आई है। कल को हमने दोनों ही कच्चे तेल $78-77 पर जाते हुए देखे थे, वहीं आज देख रहे हैं कि WTI $78 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $82 पर। रूपा जी खबरें हैं कि
अमेरिका सहित जो अन्य देश हैं, भारत भी उसमें इंक्लूड है, वो अपने यहाँ पे जो इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स होते हैं उनमें से अब अपने कच्चे तेल की जो इन्वेंट्रीज उनको रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर काबू पाया जा सके। ये जो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती नजर आ रही हैं उस पर काबू पाया जा सके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओपेक प्लस जो इन्वेंट्रीज हैं, जो आउटपुट है उसको बढ़ाने पर अभी कोई विचार नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इस निर्णय की वजह से, ऐसे डिसीजंस और ऐसे स्ट्रेटेजीज की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में यहां से बढ़त बनती नजर आ पाएगी? देखिए, अभी फिलहाल बढ़त तो नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता अखिलेश। देखिए, जो ये अपने रिजर्व में से क्रूड की सप्लाई को बढ़ाने की बातें हो रही हैं, और ये बहुत पहले से, इसी जब से कच्चा तेल लुढ़कना शुरू हुआ है, आई थिंक 1 हफ्ता हो गया इस बात को, तो जब तब से लेकर ये खबरें आ रही हैं, और तब से बाजारों के अंदर हमें दबाव देखने को मिल रहा है कि यूएस जो है, और यूएस के साथ और भी काफी देश हैं जो अपने रिजर्व में से कच्चा तेल जो है उसकी सप्लाई को बढ़ाएंगे, और उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट में भी आते हुए देखा है, जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों से कच्चा तेल फिसला भी है। और अभी जो है शॉर्ट टर्म जो ये गेन देखने को मिल रहा है, अभी ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि अभी देखिए ओपेक देशों के द्वारा क्या डिसीजन लिया जाता है इसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने सप्लाई बढ़ाने से मना किया है, और अभी जिस तरीके से डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी थी और सप्लाई कम थी, इसलिए यूएस की तरफ से मतलब सभी देशों को ये कहा गया है कि आप जो है अपने रिजर्व में से क्रूड की सप्लाई को बढ़ाएं। लेकिन अभी फिलहाल अब जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और कोरोना के केस भी बढ़े हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अभी मिक्स एंड मैच जो है वो ट्रेडिंग दिखा सकते हैं कच्चे तेल के अंदर। तो आज अगर आपको बाइंग देखने को मिल रही, हो सकता है कल फिर से गिरावट देखने को मिले, तो ये एक उठा पटक का माहौल बना रह सकता है। अभी जब तक क्लैरिटी नहीं आती इस बात को लेकर, तब तक एक एक सीधा ट्रेंड फॉलो होता हुआ दिखाई नहीं देगा। अभी क्रूड जो है ऊपर में $80 से लेकर नीचे में $75, तो ये रेंज अभी फिलहाल यहाँ पर टेक्निकली बनती हुई दिखाई दे रही है। आज आपको हो सकता है कच्चे तेल में छुटमुट खरीदारी देखने को मिले, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है कि वापस से लुढ़क सकता है और नीचे में 5800 तक आज नीचे आ सकता है। जी रूपा जी, 2 दिसंबर को ओपेक और उसके सहयोगी देशों की बैठक होने वाली है, आपको क्या लगता है, क्या उस बैठक में आउटपुट बढ़ाने को लेकर डिसीजंस आए जा सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूएस पूरी दुनिया में क्रूड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, यूएस के अंदर बड़े पैमाने पर कच्चा तेल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर यूएस जैसा देश अपने ऑयल रिजर्व्स निकाल सकता है और बाकी देशों को भी इसमें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, तो क्या इसका दबाव ओपेक और उसके सहयोगी देशों पर बनता नजर आ सकता है, और क्या वो आउटपुट बढ़ाने पर निर्णय ले सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से यूएस ने जो बाइडन ने पहले ही कह दिया था कि रिजर्व बढ़ाए जाएं, और इसका एक प्रेशर जरूर ओपेक देशों पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और सप्लाई बढ़ाने पर एक बार विचार विमर्श किया जा सकता है। तो अगर सप्लाई बढ़ाने पर ओपेक देशों की सहमति बनती है, तो फिर कच्चा तेल एकदम से धराशायी होते हुआ नीचे दिखाई दे सकता है। और अभी देखिए काफी कुछ है पॉलिटिकली भी, आपको देखना होगा इसको। तो मुझे लगता है कि अब कच्चा तेल यहाँ से ज्यादा तेज नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऑलरेडी ऊपर है, अब यहाँ से अगर और बढ़ती हैं तो आगे इलेक्शंस भी हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अभी कच्चा तेल जो है एक रेंज बाउंड हो सकता है, आपको 6000 से लेकर 5500 की रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए अभी कच्चे तेल में बाइंग की स्ट्रेटेजी नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, इंट्राडे शॉर्ट टर्म में आप जो भी करना चाहें, मतलब ट्रेंड के हिसाब से आप बाइंग या सेलिंग ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। जी ये सर, रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो आप देख रहे हैं बेस मेटल्स का बाजार ठीक ठाक बनता नजर आ रहा है। रूपा जी, आप हमेशा बेस मेटल्स में तेजी की तरफ रही हैं, आज इंट्राडे में क्या लगता है, क्या इंट्राडे में भी अभी और तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, बेस मेटल में भी अखिलेश बाजार जो है ऊपरी स्तरों पर आकर रुक गया है, ना तो बहुत ज्यादा नीचे गिरता है और ना ही बहुत ज्यादा इसमें अब तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। आगे इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ साथ आप ये देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, और बेस मेटल्स के अंदर आगे कीमतों में तेजी का ही रुझान बना रहेगा। तो जहां तक कॉपर की बात है, कॉपर भी तेज, आप देखिए निकल तो आज अच्छा खासा तेज है ही, कल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो आज भी 1560 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि तेजी में ही रहेगा मार्केट, और कॉपर जो है आज इंट्राडे की अगर बात करें तो 742 से लेकर 748 तक ऊपर जा सकता है, जबकि अभी शुरुआती दौर में गिरावट देखने को मिल रही है। नीचे में 738 के आसपास आप बाइंग ले सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 735 का, और उसमें ऊपर में 742 748 का स्तर संभव है, देखने को मिल सकता है।
सेम एज इट इज अगर निकल की बात करें तो निकल भी 1540 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में जाया जा सकता है। मुझे लगता है 1580 तक निकल ऊपर जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है बेस मेटल्स में आने वाले दिनों में भी। मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। लेड जिंक इन सब में भी खरीदारी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, नेचुरल गैस में आपको क्या लगता है, आज नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे, क्या लो लेवल्स रहेंगे क्या हाई लेवल्स रहेंगे? देख रहे हैं कि नेचुरल गैस इंटरनेशनल मार्केट में $5 के आसपास ट्रेड करती नजर आ रही है। देखिए नेचुरल गैस में गिरावट है अखिलेश, मैंने पहले भी बताया था कि नेचुरल गैस में इस समय पर बाइंग नहीं करना चाहिए, जो कि अमूमन देखा जाता है कि ट्रेडर्स काफी एक्टिव होकर बाइंग करते हैं कि विंटर सीजन के चलते डिमांड पिकअप होगा। लेकिन हमेशा हमने देखा है कि इन्हीं दिनों में नेचुरल गैस काफी निचले स्तरों पर ट्रेड करती हुई दिखाई देती है। तो अभी भी आज भी आप देखिए 1.25% की गिरावट के साथ कारोबार कर रही है, और जब देखिए 400 के ऊपर जाएगी सस्टेन करेगी तभी थोड़ा बहुत उसमें स्टेबिलिटी आ सकती है, कंसोलिडेशन में जा सकता है मार्केट। लेकिन जब तक 400 के नीचे है तो इसके रेंज जो बनती दिखाई देगी अभी 360 से लेकर 380 और 388 तक मैक्सिमम अपसाइड हो सकता है देखने को मिले, और आज इंट्राडे में मुझे लगता है कि अभी ये 368 तक लुढ़क सकती है। जी रूपा जी, आपकी तरफ से नॉन एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए मेरे हिसाब से अभी तो फिलहाल जो सेफर साइड लग रहा है वो बेस मेटल्स में निकल ही लग रहा है। मुझे निकल के अंदर और कॉपर के अंदर बाइंग करके मुनाफा कमाया जा सकता है, क्योंकि देखिए क्रूड में भी अप जो है अप एंड डाउन लगा रहेगा काफी को, आगे चलकर आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और सोना चांदी ऑलरेडी प्रेशर में है, आज हल्की रिकवरी डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल रही है लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि 48,000 के नीचे सोना भी लुढ़क चुका है। तो सोना चांदी में बिकवाली हावी हो सकती है और क्रूड भी ऊपरी स्तरों से लुढ़क सकता है, और इसके साथ बेस मेटल्स के अंदर खरीदारी करके मुनाफा कमाया जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का हमें अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।